राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले भी हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में देख चुके हैं। तो जैसे जैसे रूढ़ी राष्ट्रवादी व्यवस्था में अपनी ताकत और मजबूत बनाने के लिए कोशिश की है, मतलब अपनी ताकत की गगन है, अपनी ताकत को मजबूत बनाने की उन्होंने क्या की है, कोशिश की है, जिसमें अनेक क्षेत्रों में उदारवाद राष्ट्रवाद की क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। क्योंकि क्रांतियों के नेतृत्व में उदारवादी राष्ट्रवाद ने किया और साथ ही साथ शिक्षित मध्यवर्गीय जो विशिष्ट लोग थे, और इसमें कौन कौन थे, प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार से लगे हुए लोग, इसमें मध्यवर्गीय लोग शामिल थे। जब प्रथम विद्रोह फ्रांस में हुआ था, जुलाई 1930 में हुआ था, और जिन्होंने 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता को बहाल किया और साथ ही साथ उन्होंने उदारवादी क्रांतिकारियों को उखाड़ फेंका था। उसके बाद उन्होंने एक संविधानिक राजतंत्र स्थापित किया। क्या किया? संविधानिक राजतंत्र स्थापित किया, जिसका अध्यक्ष जो थे लुई फिलिप था, ये आप लोग को ध्यान रखना है, जिसका अध्यक्ष कौन था, लुई फिलिप था। जिसमें हमने ये देखेंगे, जब ये देखेंगे कि फ्रांस जो कहता है वह क्या बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम, यदि कहा गया है कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है, यह जुलाई क्रांति से वर्सल में था। एक घटना जिसमें पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग ने राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम, यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भी शिक्षित अभिजात वर्ग के लोग थे। 15वीं शताब्दी यूनान में 8वें साम्राज्य का भी हिस्सा था। यहाँ पर भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के जो यूनानियों ने उन्हें आजादी के लिए संघर्ष किया था। यह संघर्ष कब स्टार्ट हुआ था, 1821 में शुरू हुआ था। अनेक लोग ऐसे थे इस क्रांति को जो था उनसे अनेक लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे कई कवि थे, कई कलाकार थे, इस तरह से सभ्यता का पालन बताकर वह प्रशंसा की और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत को जुटाया था। और साथ ही साथ जब इसमें कवि जो थे लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए। 1824 में बुखार में उनकी मृत्यु हो गई और 1832 में कुस्तुंतुनिया के साथ में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई थी। फिर देखेंगे हम रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, मतलब किस तरह से राष्ट्रीय भावना एकत्रित हुई और किस तरह से रोमानी की कल्पना थी। तो इसमें युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार उस समय केवल विकास ही हुआ था और युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार में नहीं हुआ था। विचार के निर्माण में संस्कृति जो थी वह एक अहम भूमिका निभाई, जिसमें कला, काव्य, कहानियां, किस्से, संगीत, ये सारी जो है ये राष्ट्रीय भावना को गढ़ने में, व्यक्त करने में सहयोग दिया गया। क्योंकि जब हम कभी कभी लिखित तो चीजें पढ़ते हैं, कहानियां सुनते हैं, भावनाओं को पढ़ते हैं काव्य के द्वारा, कहानियों के द्वारा, किस्से के द्वारा, तो लोगों की भावनाओं को गढ़ने में ये बहुत ही सहयोग प्रदान करते हैं। उसी तरह से यह भी गढ़ने में व्यक्त और सहयोग दिया। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पर एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था और आम तौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों के तर्क वितर्क और विज्ञान में महिमा मंडल की आलोचना की, जिससे उसको कई जगह जो अंतर्दृष्टि से भी रहस्यवादी भावनाओं को भी जोर दिया गया था। इसके साथ साथ एक साझा सामूहिक विरासत भी, अनुभूति के एक साझा सांस्कृतिक अतीत की राष्ट्र के आधार में बनाया गया था। यहाँ पर योहान गार्नफ्रिड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया था कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उनके आम लोगों में निहित थी। ये स्वाभाविक है, जो आम लोग होते हैं उनमें संस्कृति निहित होती है, क्योंकि उनकी सच्ची आत्मा से लोकगीत, जनकाव्य और लोक नृत्यों में प्रकट होती है। कई बार आप लोग देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाते हैं, हम लोग के लोकगीते, उनकी संस्कृति, उनकी बोलियाँ होती हैं, उससे उनकी जो संस्कृति उभर कर सामने आती है। फिर लोक संस्कृति के इस स्वरूप को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की एक परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर भी स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने के साथ प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था। मतलब किसी भी तरह से हो उस राष्ट्रीय भावना को मतलब एक जन समूह तक
आम लोगों तक उसको पहुंचाना आवश्यक था। इस तरह से पोलैंड में भी यह लागू होता था, जिसमें 18वीं सदी के अंत में रूस की प्रशा जो थी ऑस्ट्रिया थी, यहाँ बड़ी शक्तियां जो थी विभाजन कर दिया गया था। इसके जरिए वहां पर मसलन कैरोल कोरपे और राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ओपेरा संगीत गुणगान में किया गया था। फिर इसी तरह से राष्ट्रीय भावनाओं के विकास के लिए जो भूमिका निभाई गई थी, उसके बाद रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा जो थी वह स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को जगह जबरन लादा गया था। फिर 1831 में भी रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ था, जिसमें आखिरकार कुचल दिया गया था। और इसी तरह से धार्मिक शिक्षा में भी पोलिश भाषा का इस्तेमाल हुआ। उसके नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया था, और उसी पर उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भी भेज दिया गया था। रूसी भाषा का प्रचार करने से भी इनकार कर दिया गया था, और पोलिश भाषा रूसी के प्रभुत्व विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाती थी। वे भूख कठिनाइयां और जन विद्रोह, मतलब किस तरह से लोगों का जन विद्रोह हुआ, भूखे भी लोग थे, कठिनाई बहुत सारी कठिनाइयां थी। तो यह हम देखेंगे 1830 का दशक जो यूरोप में भारी कठिनाइयों को लेकर आया था। तो मैं 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या जबरदस्त वृद्धि हुई, जिससे ज्यादातर लोग क्या करने लगे, नौकरियां ढूंढने लगे, और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त जो आबादी शहर जाकर भीड़ में भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी थी। मतलब लोग क्या कर रहे थे, नौकरी ढूंढने के बहाने वे क्या कर रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र से भी गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग भी कहाँ आ गए थे, शहरी क्षेत्र पर आ गए थे। इस तरह से भीड़ भी जबरदस्त बढ़ी थी। इसमें नगरों के लघु तो उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड में आयातित मशीन से बने हुए कपड़े सस्ते मिलते थे, इस कारण उनको उस प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि मशीन से निर्मित जो वस्तुएं होती थी वह सस्ती पड़ती थी, और जो हाथ से बने हुए वस्तुएं होती थी वह महंगी होती थी और लागत भी ज्यादा होती थी। इस तरह से प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा झेलनी पड़ी, और उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था, केवल आंशिक रूप से ही मशीनीकृत होता था। तो इस वजह से जो मशीनीकृत वस्तुएं होती थी वह सस्ती पड़ती थी, और जो हाथ से निर्माण होता था घरों में जो मुख्यतः निर्माण किया जाता था वह महंगी होती थी। इस तरह से खाने पाने की चीजों में भी मूल्य बढ़ने से, किसी वर्ष फसल खराब होने से शहर से गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। फिर 1848 में एक ही वर्ष था जब खाने पीने की कमी, व्यापक बेरोजगारी पेरिस में, मतलब यहाँ पर उस समय ये कह सकते हैं कि सूखा पड़ा होगा, तो लोग क्या होते सड़क पर उतर आए थे और जगह जगह अवरोध लगाए गए थे। लोगों ने भागने पर मजबूर किया, और राष्ट्रीय सभा में गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया था। जब उस समय के राष्ट्रीय सभा में गणतंत्र घोषणा की गई थी, और 21 वर्ष से जितने ऊपर थे उनको क्या हुआ था, वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था, मतलब उनको मत देने का अधिकार था। इस तरह से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए थे। 1845 में सिलेसिया बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इस तरह से निर्मित कपड़ा लेते थे परंतु दाम बहुत कम देते थे, और इस तरह से एक गांव में घटनाएं इस प्रकार के बयान करती है। फिर इन गांवों में जो था कम से कम 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनकरों के जो व्यवसाय सबसे व्यापक है, क्योंकि श्रमिकों की हालत खस्ता थी, क्योंकि ये लोग जो थे वस्तु का निर्माण करते थे, और जो फायदा होता था वह ठेकेदार उठा लेता था, और जो वस्तुओं का निर्माण करते थे उन्हें कम कीमत दिया जाता था। इस तरह से ठेकेदार जो बनाए जाने वाले माल की कीमत को गिरा देते थे, क्योंकि वह थोक में लेते थे और बाहर जाके उनको महंगी कीमत पर बेच देते थे। इस तरह से 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों एक भीड़ अपने घरों से निकली, और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पर पहुंचे, और इस तरह से मजदूरी की मांग कर रहे थे, साथ ही घृणा का व्यवहार भी किया गया। और इसके बाद भीड़ पर जो जबरदस्ती घुस गई थी, चपचपाती खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी के जो नफीस चीजें थी, एक गुट में भंडार गृह में घुस कर कपड़े के भंडार को लूट कर तार तार कर दिया था, और परिवार के साथ पड़ोस के गाँव भाग गया था। इस तरह से ऐसे व्यक्ति को उस गांव शरण देने से इनकार कर दिया था कि वह 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से वह लौटा था। मतलब इस तरह से बुनकर इतने नाराज थे व्यवसायियों से, ठेकेदारों से, कि वे इस तरह से उन्होंने कृत्य किया।
राष्ट्रवादियों की क्रांति, ये कब हुई? 1848 में। 1848 में अनेक यूरोपीय देशों की जो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर जो विद्रोह कर रहे थे, इसलिए हमने उसमें देखा ना किस तरह से वे ठेकेदारों से विद्रोह कर रहे थे, तो ये किसान जो मजदूर जो विद्रोह कर रहे थे उनकी समानता जो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की क्रांति भी हो रही थी, मतलब जो पढ़ा लिखा वर्ग था वह भी ऐसी घटनाओं के, और कई राजा ऐसे थे जो कि गद्दी भी छोड़नी पड़ी थी, किसके कारण? ये विद्रोह के कारण। इस तरह से पुरुषों को भी सार्विक सर्वाधिक अधिकार दिए गए थे रूप में, अन्य भागों में जहाँ उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व नहीं आए थे वहीं पर जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां उदारवादी मध्यम वर्ग स्त्री पुरुष के संविधान की मांग के लगे हुए थे। फिर जहां पर उन्होंने असंतोष के बढ़ते जो फायदा उठाया था, मतलब इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब लोगों में असंतोष बढ़ रहा था वहां पर एक राष्ट्र का निर्माण भी मांगों के आगे बढ़ाया, जिससे राष्ट्र में क्या हुआ, संविधान बना, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन की आजादी के लिए संसदीय सिद्धांतों पर आधारित थी। मतलब ये सारी घटनाएं घटने के बाद नियम और संविधान बनाए गए थे, प्रेस को भी स्वतंत्र रखा गया था और राष्ट्रीय राज्य और संगठन की स्थापना भी की गई थी। इसी तरह से एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में भी मतदान का फैसला लिया था, जो 18 मई 1848 में 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों सजीदा जुलूस से सजा कर फ्रंट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया था। संविधान के प्रारूप को भी तैयार किया गया था जिसमें राष्ट्र के अंतर्गत एक ऐसे राजा को सौंपी गई थी जो संसद के अधीन रहना था, और प्रतिनिधि में भी जो प्रश्न था वह फ्रेडरिक विलहम चतुर्थ ताज पहनने की पेशकश की और उसने अस्वीकार भी कर दिया था, जिससे राजाओं का साथ दिया और निर्वाचित सभा में जो विरोधी थे जहां कुलीन वर्ग सेना का विरोध भी वहां पर क्या हो गया था, बढ़ गया था। इस तरह से संसद का सामाजिक आधार जो है वह कमजोर हो गया था, जिसमें संसद में मध्यम वर्ग के प्रभाव अधिक था और मजदूरों कारीगरों की मांग का विरोध किया गया था, और उनका समर्थन जो वहां पर बैठे हुए अंत में सैनिकों को भी बुलाया गया और असेंबली में होने इस तरह से भंग होने पर भी मजबूर हो गए। इस तरह से होने पर स्थितियां उत्पन्न होने पर संसद भी भंग हो जाती थी। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने के और पुरानी व्यवस्थाओं को बहाल नहीं कर पाई और राजाओं को यह समझ आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है, मतलब वो यहाँ पर उस चीज को समझ चुके थे। फिर इन परिवर्तनों को आराम से पश्चिमी यूरोप में 1845 पहले ही हो चुके थे, इस प्रकार से हैब्सबर्ग के अधिकार वाले क्षेत्रों को और रूस में भू दासत्व बंधुआ मजदूरी को सभी समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ देखेंगे जर्मनी क्या ऐसा राष्ट्र है, राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, क्योंकि क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। तो यहाँ हम देखेंगे 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र क्रांति अलगाव होने लगा था, जिसमें कि पूरे यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का ही इस्तेमाल किया था। इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है कि जर्मनी, इटली और एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य जो बने थे वह किस तरह से काफी लोग व्याप्त थी, कई लोग जोड़ चुके थे, कई निर्वाचित सदस्य जो थे राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास भी किया, और कई राजशाही ऐसे थे जो फौजी ताकतों को मिलकर दबा दी गई थी। इस तरह से हम देखेंगे राष्ट्रीय एकीकृत आंदोलन के नेतृत्व जो संभाला गया था उसमें प्रमुख मंत्री कौन थे, ऑटो वान बिस्मार्क, जो प्रक्रिया के जनक था। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस तीन युद्धों में प्रशांत की जीत हुई थी और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इस तरह से एक समारोह में प्रशांत जो राजा विलियम्स थे उन्होंने प्रथम जर्मनी सम्राट भी घोषित किया गया था। क्या किया गया था, राजा को प्रथम सम्राट भी घोषित किया गया था।